Hello everyone, I am Niharika John Mehra and welcome to TejTube. TejTube पर आज हम एक बहुत important topic पढ़ने वाले हैं English का, that is verb. यहाँ पर जो अभी series start होगी वो पूरी verbs को deal करेगी, क्योंकि verb एक important part होता है subject verb agreement में. Tense अगर हम ले लें, passive voice, active voice ले लें, direct indirect ले लें, verb का एक बहुत important role है जिसके ऊपर based हमें कई सारे questions मिलते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, नॉट जस्ट बैंकिंग और एसएससी. लेकिन इस टॉपिक को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हों या फिर राइटिंग स्किल्स हो. वी शुड बी नोइंग कि वर्ब क्या होता है. तो आज हम समझेंगे कि वर्ब क्या है, बहुत शॉर्ट और प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे हम इसे, एंड दैट इज द डेफिनेशन जो आज हम देखने वाले हैं. लेट मी टेक यू टू इट. हम जिसे हिंदी में क्रिया कहते हैं, जो हिंदी में क्रिया होती है उसे ही इंग्लिश में वर्ब कहा जाता है. नाउ सी, यहाँ पर हमें ये समझने की जरूरत है कि एग्जैक्टली जैसे क्रिया हिंदी के सेंटेंसेस में काम करती है, हमें पता चलता है कि काम क्या हो रहा है, तो उसी चीज को जब इंग्लिश में हम एक्सप्रेस करते हैं वी कॉल इट एज वर्ब. सो अगर इसकी डेफिनेशन देखें, A verb is a word that tells or asserts. So, क्या क्या कर रहा है ये? एक तो बता रहा है या फिर इस बात पर जोर डाल रहा है कि एक person या फिर उस चीज के बारे में वो क्या कर रहा है, वो कैसा है. आगे चल के हम और देखेंगे कि verb काफी सारी चीजों को बताता है, केवल इस चीज को नहीं कि कुछ काम हो रहा है, लेकिन किसी के अस्तित्व को या फिर किसी के बारे में इस प्रकार से बताता है कि वो दूसरी चीजों को उस मेन पर्सन या उस वस्तु से कनेक्ट कर देता है. सो किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताने वाला शब्द होता है हमारा क्रिया, दैट इज वर्ब इन इंग्लिश. नाउ इट टेल्स अबाउट, ये सबसे मेजर काम है इसका, इट टेल्स अबाउट द एक्शन टेकिंग प्लेस. एक काम, जो भी एक्टिविटी हुई वो कैसे हुई, वो क्या काम हुआ, उस चीज को बताने वाला जो वर्ड होता है इंग्लिश के सेंटेंस में, दैट इज वर्ब. सो क्या काम किया जा रहा है, क्या काम हो रहा है, उसके लिए अगर हमें कुछ यूज करना है तो हम वर्ब को यूज करेंगे. ओके, नाउ इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड. इसे सबसे जरूरी इसलिए कहा गया है एक सेंटेंस में, क्योंकि अगर एक पर्सन है, अगर आप उस पर्सन के बारे में बात कर रहे हो कि वो कैसा है, वो क्या है, या वो ऐसा करता है, वो ऐसा करती है, उसने ऐसा किया था, उसका ऐसा प्लान है, तो हम देखेंगे हर सेंटेंस में किसी काम के होने की इंडिकेशन मिलती है हमें. एंड दैट इज द रीजन विदाउट वर्ब हम सेंटेंस क्रिएट नहीं कर सकते. इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी सेंटेंस का, या फिर इंग्लिश में अगर कुछ भी एक्सप्रेस किया जा रहा है उस चीज का. यहाँ बहुत ही सिंपल से दो एग्जाम्पल है हमारे पास. फर्स्ट वन इज My mother cooks delicious food. तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि मेरी माँ, my mother cooks. Cooks जो शब्द है यहाँ बोल्ड में जो है, that is our verb. क्या पकाती है? Delicious food पकाती है. तो यहाँ जो major काम मेरी माँ कर रही है वो है खाना पकाने का. एंड दैट इज हाउ आई नो कि मेरी माँ को delicious food से कैसे कनेक्ट करा गया है. ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस. She has passed. यहाँ पर has passed जो है वो हमारे दो verbs को मिलाकर main verbal part बना है sentence का. She has passed bank exam with very good marks. तो ये दूसरा sentence है कि उसने bank का exam बहुत ही अच्छे marks से pass किया है. Now, coming again to the verbal part. ये जो verb है, इस प्रकार का sentence अगर है जहाँ पर कुछ किया गया है या किया जा चुका है, वहां पर हम इस प्रकार के verbs का use करते हैं. जैसे यहाँ एक has है, इसे बोलते हैं helping verb, और main verb है यहाँ पर past. इनके बारे में detail में हम आगे आने वाले parts में सीखेंगे. Do not worry, आप एक general idea भी समझे. So she has passed, यहाँ पर again जो काम को बताया जा रहा है, क्या काम हो रहा है, पास होने का, और ये काम करने वाले व्यक्ति को हमने पहले स्टार्टिंग में मेंशन कर दिया, और वो क्या काम हुआ है उसको हमने यहाँ मेंशन कर दिया. नाउ टेकिंग यू टू द नेक्स्ट थिंग, कि एक वर्ब हमें क्या क्या चीजें बताएगा. तो पहली चीज जो वो बताएगा, व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, एक व्यक्ति या वस्तु वो है क्या.
नाउ अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूं तो मैं एक वुमेन हूँ, मैं एक वाइफ हूँ, मैं एक सिस्टर हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक स्टूडेंट भी हूँ. सो मेरे कई सारे रोल हैं. ओके मैं एक ब्रेव लड़की हूँ, या इस प्रकार से और भी हम बातों को ऐड कर सकते हैं. किसी के होने को बताया जाता है जब, तो वहाँ मेन वर्ब नहीं होता है. देखिए वर्ब हमें अलग अलग प्रकार के मिलते हैं. एक होता है हमारा मेन वर्ब जो कि डायरेक्ट एक्टिविटी को बताएगा. एक हेल्पिंग वर्ब होता है जो कि जैसे उसका नाम है हेल्पिंग, वो मदद करने के लिए काम में आता है. वो मेन वर्ब के साथ लगेगा, कई बार अकेले भी लगता है. देन मोडल वर्ब्स होते हैं. इनके बारे में अगेन हम आगे आने वाले पार्ट्स में पढ़ेंगे. वापस आते हैं इस पॉइंट पे. यहाँ पर है कि कोई भी चीज या पर्सन कुछ है, तो एग्जाम्पल से समझेंगे. द कैट इज ब्राउन. तो ये कैट कैसी है, क्या है, ये ब्राउन कलर की है. तो इसके होने को और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है वर्ड ब्राउन. और इसके लिए क्योंकि हमें ब्राउन को कनेक्ट करना है, हम इज का यूज कर रहे हैं. दिस इज अ हेल्पिंग वर्ड जो कि अकेला भी यूज किया जा सकता है. जब हम ऐसी बात कर रहे हैं कि कोई कैसा है, लाइक आई एम अ टीचर, तो वहां पर जो मैंने एम बोला वो मेरे होने को, मैं क्या हूं उसको बता रहा है. अगेन नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस टेबल इज टफ. तो ये टेबल क्या है, कैसी है, तो उस चीज को टफ वर्ड एक्सप्लेन कर रहा है. अब मैं द टेबल टफ डायरेक्टली तो नहीं बोल सकती, दिस टेबल टफ डायरेक्टली भी नहीं बोल सकती. सो व्हाट टू डू, यहाँ पर हमें एक वर्ब की आवश्यकता होती है. एंड दिस इज यहाँ पर जो लगा है जो कि एग्जिस्टेंस को बता रहा है. तो ये हो गया हमारा पहला यूज. सेकेंड वी सी व्हाट अ पर्सन और थिंग हैज. अगर किसी व्यक्ति के पास में कुछ है, या किसी एक चीज के पास में दूसरी चीज है, किसी की ओनरशिप है, तो उस चीज को भी हम वर्ब्स के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं. अगेन हेल्पिंग वर्ब अकेले यूज किए जाते हैं यहाँ पर. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज द लेटेस्ट बाइक. तो उसके पास में जो लेटेस्ट बाइक है, उसको हमें जब ये एक्सप्रेस करना है कि ये उसके पास में है, तो उसे हमें हैज वर्ड लगाकर एक्सप्रेस करना होगा. इसके भी अलग अलग रूल होते हैं. हम हैज का यूज कर सकते हैं, हैव का, हैड का, विल हैव का. सो ऑल दोस थिंग्स हम जल्द ही आगे आने वाले पार्ट्स में पढ़ेंगे. नाउ अनदर एग्जाम्पल, दे हैड अ हाउस इन दिस सिटी. इस सिटी में, इस शहर में उनका घर हुआ करता था. तो यहाँ पर हैड जो यूज किया गया है वो इन लोगों को, उनका क्या रिलेशन था इस हाउस से जो कि सिटी में है, उससे कनेक्ट कर रहा है. सो इस प्रकार से किसी के पास में जब कुछ होता है उसे भी हम वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं. देन वी सी तीसरी चीज जो वर्ब बताता है वॉट अ पर्सन और थिंग दस. ये बहुत ही ज्यादा वाइडली यूज होने वाला एक काम है जो चीज वर्ब करता है, क्रिया करती है हमारे इंग्लिश के सेंटेंसेस में, कि एक व्यक्ति या वस्तु क्या कर रहे हैं. सो व्हेन आई से व्यक्ति और वस्तु, पर्सन और थिंग, उसमें हम एनिमल, लिविंग थिंग्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं. इट डज नॉट जस्ट मीन कि ह्यूमन बीइंग और जो चीजें जिनमें लाइफ नहीं है. जनरल वे में यहाँ पर पर्सन और थिंग का यूज किया गया है. हियर वी हैव एग्जाम्पल. यहाँ पर जो मेन काम हो रहा है उसको वो वर्ब वाला वर्ड एक्सप्रेस करेगा. यहाँ पर एग्जाम्पल है श्रेया सिंग्स मेलोडियसली. तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि काम क्या हो रहा है, श्रेया क्या कर रही है, वो बैठी नहीं है, खड़ी नहीं है, सो नहीं रही है. शी इज सिंगिंग. उसकी गाने को वो कैसा गाती है उसको हम बता रहे हैं. तो यहाँ पर सिंग्स हमारा वर्ब हो गया. देन द कार इज मेकिंग नॉइस. तो इज और मेकिंग, ये जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, दैट इज टेलिंग अस कि इस कार को क्या हो रहा है, ये कार क्या कर रही है, वो शोर मचा रही है. सो दैट इज हाउ वी गेट टू नो एक चीज क्या उसका रोल है, कैसे वो हमारे जो दूसरे वर्ड्स हैं सेंटेंस में, दूसरे नाउन्स हैं, उनसे कैसे कनेक्ट हो रहा है, वो हमें वर्ब के थ्रू पता चलता है. देन वी सी द फोर्थ वन, वॉट इज डन टू अ पर्सन और थिंग. तो ना केवल जब एक पर्सन या थिंग कुछ करते हैं वो हम वर्ब के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन अगर एक पर्सन पर या फिर एक वस्तु पर कुछ किया जा रहा है, उनके ऊपर एक एक्शन हो रहा है, तो उसे भी हम वर्ब के थ्रू एक्सप्रेस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, एन अवार्ड इज रिसीव्ड बाय श्रेया. तो यहाँ पर ये जो रिसीविंग का काम है ना, लेने का काम है, वो श्रेया के द्वारा किया जा रहा है.
और वो एक चीज को रिसीव कर रही, वो चीज क्या है, एक अवार्ड है। तो इस प्रकार से ये पर्सन जो है इसके ऊपर कोई काम किया जा रहा है, राइट। तो उस वे में अगेन हम वर्ब्स का यूज करेंगे। देन वी सी नॉइज इज बीइंग मेड बाय द कार। अभी कार के द्वारा क्या किया जा रहा है, सो किसी चीज को अगर हम इस प्रकार से कर रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट किसी और पर पड़ रहा है, तो वो भी वर्ब्स के अलग अलग फॉर्म होते हैं, उनका यूज करते हुए हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर जब हमने बोला था कि कार इज मेकिंग नॉइज, इसी को अगर हम उल्टे रूप से बोलें कि शोर जो है वो कार के द्वारा किया जा रहा है, सो वी सी नॉइज इज बीइंग मेड बाय द कार। तो इस प्रकार से किसी व्यक्ति या वस्तु पर जो हो रहा है उसको भी हम वर्ब के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। नाउ लेट मी टेल यू टू पॉइंट्स टू रिमेम्बर जो कि वर्ब से रिलेटेड है। अ वर्ब कैन बी ऑफ मोर देन वन वर्ड। ऐसा नहीं है कि क्योंकि एक ही एक्शन है तो एक ही वर्ड होगा, एक से ज्यादा शब्दों का प्रयोग भी किया जा सकता है। जो वर्ब वाला भाग बनता है हमारे सेंटेंस में, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं, लाइक बॉयज वर प्लेइंग, लड़के खेल रहे थे। तो वर और प्लेइंग ये दोनों ही मिलकर वर्बल पार्ट बना रहे हैं। Then I have completed my course. तो have के साथ में यहाँ completed का जो use हुआ है, दो words का use हुआ है यहाँ पे, and again we see कि ये दोनों मिलकर verbal part बना रहे हैं इस sentence का, है ना? मैंने मेरा course complete कर लिया है। They have been playing since morning. अब यहाँ पे और हमारे पास तीन जो verb वाले part में words हैं वो हो गए हैं, have, been और playing। तो इस प्रकार से हमें एक से ज्यादा शब्द भी मिलते हैं जो कि वर्ब का फॉर्म बनाते हैं। She could have arranged her room. वो अपना रूम अरेंज कर सकती थी, जमा सकती थी। तो यहाँ पर could, फिर have और फिर arranged, ऐसे करके तीन शब्द हो गए जिनसे मिलकर वर्बल पार्ट बन रहा है। तो इस बात में हम कभी भी स्टिक नहीं करेंगे कि केवल एक ही वर्ड होगा, एक ही शब्द होगा जो कि वर्ब कहलाएगा। कॉम्बिनेशंस होते हैं, अलग अलग मीनिंग होता है उनका, एंड ऑल दोस थिंग्स हम आगे आने वाले लेसन्स में पढ़ेंगे। नाउ आई वॉन्ट टू टेल समथिंग, एक ये हाईलाइट जो कि हमारा नेक्स्ट लेसन होगा। दो प्रकार के वर्ब्स जो कि फाइंड होते हैं, पहला है ट्रांजिटिव जिसे हिंदी में सकर्मक क्रिया कहा जाता है, एंड देन वी गेट इन ट्रांजिटिव जिसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पर इन शॉर्ट अगर आपको समझाऊं तो ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब होते हैं जो कि जो काम उनके थ्रू एक्सप्रेस कर रहा है वो किस पर हो रहा है वो भी हम उसी सेंटेंस में मेंशन करते हैं। जैसे यहाँ पर जो ट्रांजिटिव का एग्जाम्पल है, He swings the bat, वो बल्ले को घुमाता है। तो ये घुमाने का काम किस पर हो रहा है, बल्ले पर हो रहा है, और वो immediately या swings के जो verb है उसके बाद में लिखा हुआ है। Then next we see intransitive, जो दूसरा प्रकार है। इसको इस प्रकार से किसी object की जरूरत नहीं होती, अगर हम उसके बाद में किसी और चीज को express कर रहे हैं तो ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसके बाद में ये काम किसके ऊपर हो रहा है उसको भी mention करें। फॉर एग्जाम्पल ही प्रेज डेली, तो यहाँ हम ये बता रहे हैं कि जो क्रिया है वो कितनी बार होती है, वो डेली प्रार्थना करता है, वो किस पर प्रार्थना कर रहा है वो नहीं बता रहे हैं। तो इसे हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे प्रेज को इस प्रकार की कंडीशन में। मोर अबाउट इट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट वीडियो। नाउ मोस्ट वर्ब कैन बी यूज एज ट्रांजिटिव एंड एज इनट्रांजिटिव बोथ। तो ज्यादातर ऐसे वर्ब्स मिलेंगे जिनका यूज दोनों प्रकार से किया जा सकता है। हम उनके बाद में इमीडिएटली वो शब्द को लिख सकते हैं जिनके ऊपर वो काम किया जा रहा है और उसी काम के लिए हमने वर्ब का यूज किया है, या तो हम ऐसे भी वर्ब्स का यूज कर सकते हैं कि हमने वो काम तो बता दिया, क्या हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है, जरूरी नहीं है कि उसको भी सेंटेंस में इंक्लूड किया जाए। तो इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम बेटर होगा कि ऐसे बोलें कि इस वर्ब को ट्रांजिटिवली यूज किया गया है या फिर इनट्रांजिटिवली। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है और ये वाला वर्ब इनट्रांजिटिव है। बेटर है कि हम इस प्रकार से प्रैक्टिस ना करें और इस प्रकार से हैबिट डालें और समझने की कोशिश करें कि एक वर्ब है
तो उसका उपयोग कैसा किया जा रहा है, हाउ इट इज यूज, इट इज यूज ट्रांजिटिवली और इट इज यूज इनट्रांजिटिवली. सो दैट वॉज इट फॉर टूडेज लेसन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वाले वीडियो में ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव को और गहराई से हम समझेंगे. Also, don't forget to share this video, like it, and do subscribe our channel. Also, hit on the bell icon so that you get updated every time we release a new video over here. I will see you in next video now.